हेलो एंड वेलकम, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित जौनपुर से। स्टूडेंट बता दें कि यदि आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की गई लिंक से जाएं और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि परीक्षा के समय हम आपकी विशेष तरह से तैयारी करा सकें। हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पावर पॉइंट में। स्टूडेंट आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अप्लाइड फिजिक्स सेकंड, लेसन 4 है और चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, इंग्लिश में बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट, और इसे इस चैप्टर को डीसी सर्किट नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट बता दें यह वीडियो है पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर फॉर ऑल ब्रांच के लिए एंड क्लास ट्वेल्थ वाले के लिए। यदि क्लास ट्वेल्थ वाले इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी वीडियो को अंत तक देखते रहें क्योंकि ऐसी टॉपिक जो बताई जाती है क्लास ट्वेल्थ भी देखने को मिलती है। स्टूडेंट पहले तो हम बात करेंगे आज के पार्ट के बारे में, मतलब आज के टॉपिक के बारे में। सबसे पहले बता दूं कि ये वीडियो का पार्ट नंबर 8 है, इससे पहले 7 पार्ट बना दिए गए, नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है वहां से जाकर देख सकते हैं। देखिए विभव मापी, हमने आज का जो हमारा टॉपिक है विभव मापी, पोटेंटियोमीटर क्या होता है हम आज इसके बारे में बताएंगे, पूरी तरीके डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए गाइस हम कॉपी पर चलते हैं, वहां पर देखते हैं किस तरीके से हमने लिखा है और आसान भाषा में लिखा है। देखिए यहाँ पर हमने पोटेंटियोमीटर का फिगर भी बना दिया है और इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख दिया है और कैसे काम करता है, क्या करते हैं इसकी मदद से वो भी आप बताएंगे हम आपको। देखिए विभव मापी जो होता है किसी सेल का विद्युत वाहक बल अथवा किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने का एक यथार्थ उपकरण है, यानी एक अच्छा उपकरण है। क्या होता है गाइस, विभव मापी की मदद से किसी सेल का विद्युत वाहक बल या किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने का एक यथार्थ उपकरण है, यानी एक अच्छा उपकरण है। फिगर में देखिए क्या दिखाया गया है, यहाँ पर एक बैटरी लिखी गई, यहाँ पर एक EMF दिखाया गया, ये भी एक बैटरी एक प्रकार की है। यहाँ पर J से चौकी दिखाई गई है, RGH जो है हमारा ये वेरिएबल मतलब पोटेंटियोमीटर कह सकते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, यहाँ पर K कुंजी है। इस तरीके से आपको फिगर देखने को मिलता है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से फिगर है। अब चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा और बताते हैं फिगर के बारे में, क्या फिगर में लिखा गया है। देखिए इसमें AB एक लंबा समान व्यास का प्रतिरोधक तार होता है, इसमें AB जो होता है एक लंबा समान व्यास का प्रतिरोधक तार होता है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा AB है, A से B एक लंबा समान व्यास का एक प्रतिरोधक तार होता है जिसके बीच एक बैटरी B1, एक धारा नियंत्रक RH तथा एक कुंजी K जुड़ी होती है। तो देख लीजिए यहाँ पर बताया गया एक बैटरी जुड़ी होती है, एक धारा नियंत्रक होता है RH और एक कुंजी जुड़ी होती है। फिर बताया जा रहा है जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है उसकी धन प्लेट को बिंदु A से तथा उसके ऋण प्लेट को एक धारा मापी G से जोड़कर चौकी की सहायता से तार AB पर स्पर्श करा देते हैं। तार AB पर स्पर्श कर, यानी जिसका हमें ज्ञात करना होता है उसके पॉजिटिव टर्मिनल को बिंदु A से और दूसरे के मतलब उसी बैटरी के अगर विद्युत वाहक बल इसके माइनस टर्मिनल को यहाँ से लेकर एक चौकी की सहायता से AB के तार पर स्पर्श कराते हैं, यानी उसी पर रखकर खिसकाते हैं। तो इतना आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम वर्किंग के बारे में समझते हैं, वर्किंग कैसे काम करती है पोटेंटियोमीटर की। तो पोटेंटियोमीटर की वर्किंग कैसे काम करती है, सबसे पहले चौकी को किसी एक ऐसी बिंदु J1 पर लाते हैं जहाँ A1 J1 के बीच विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से कम होता है। यानी हम सबसे पहले क्या करें, चौकी को किसी एक ऐसी बिंदु J1 पर लाएंगे जहाँ A1 J1 के बीच विभवांतर कम होता है, सेल का विद्युत वाहक बल विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से कम होता है। अतः अब क्या होगा, बैटरी B1 से धारा मापी में AE J1 भाग से बहती है। देखिए क्या बताएगा, AE J1, तो देखिए AE J1 से बहेगी या J2 से या J3 से जिस प्रकार से बहेगी, लेकिन बहेगी तो गैल्वेनोमीटर की अलग अलग स्थितियाँ खाली दिखाई गई है तो एक ही गाइस। अब यहाँ पर क्या होगा, चूंकि सेल का विद्युत वाहक बल अधिक है अतः धारा मापी में परिणामी धारा AJ1E मार्ग से बहती है। तो देखिए जो हमने कंडीशन था AJ1E मार्ग से बहती है। अब क्या होगा, अब चौकी को किसी एक ऐसे बिंदु J2 पर लाते हैं जहां AJ1 के बीच का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक छोटा होता है, अतः बैटरी B1 की धारा की प्रधानता होती है
और धारा मापी में परिणामी धारा AE J1 मार्ग से बहती है, तो क्या होता है AE J2 मार्ग से बहेगी गाइस, तो AE J2 मार्ग से इस तरह से बहने लगती है। तथा धारा मापी में संकेत से पहले विपरीत में घूम जाता है। बिंदु J1 व J2 के बीच एक ऐसा बिंदु जे होगा जिस पर जौ की स्पर्श कराने से धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं है। यानी कहने का मतलब गाइस यही विक्षेप की चीज़ तो हमें प्राप्त करनी थी जो कि यहाँ पे हमें प्राप्त होगी कि हमें यहाँ पर J2 पर जब ले गए तो यहाँ पर विक्षेप की स्थिति नहीं, गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं है, नहीं होगा। बिंदु जे को शून्य विक्षेप की स्थिति कहते हैं, बिंदु जे को जो कहेंगे शून्य विक्षेप की स्थिति। अतः AJ के बीच मतलब AJ के बीच यहाँ पर ये जो हमने J2 दिखाया यहाँ पर J भी लिख सकते हैं, AJ1 J3 इस तरह भी लिखते हैं, इस तरह भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अतः AJ1 के बीच विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, विभवांतर विद्युत वाहक बल अर्थात सेल का विद्युत वाहक बल E = AJ के बीच विभवांतर, अतः E = V के बराबर होगा और इसके बराबर K, जहाँ L गाइस क्या है हमारी चालक तार की लंबाई है, जहाँ AJ की चालक तार की लंबाई है। इस प्रकार से गाइस हमने विभव मापी बताया, मैं हमारे पास एक और डिफिनेशन है मैं उसको भी दिखा देता हूँ, आप दूसरे तरीके से दूसरे भाषा में भी लिख सकते हैं। और गाइस यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, क्लास 12th में भी इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर पॉलिटेक्निक में भी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए विभव मापी पोटेंटियोमीटर यहाँ पर है, देखिए विभव मापी हमने बताया पहले ही सेल का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, ये भी कह सकते हैं, और दो बिंदु के बीच विभवांतर भी ज्ञात करते हैं, कहने का मतलब सब वही है। फिगर इस तरह भी बना सकते हैं, उस तरह भी बना सकते हैं, सब में एक ही चीज़ दिखाया गया है। सिद्धांत क्या है, माना परिपथ में बहने वाली धारा I है तथा तार AB का प्रतिरोध R है, तो तार AB के बीच जो विभवांतर होगा V = IR ड्रॉप होगा, जो कि हम ओम के नियम वाला ही जानते हैं। V = ρ L/A × I भी अनुक्रमानुपाती यानी प्रोपोर्शनल L के हो जाएगा। अगली अब बात आती है कि हम संरचना के बारे में, संरचना जो लिखे उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखा गया है। जब यल लंबाई का एक तार AB होता है जिसका एक सिरा बैटरी E तथा दूसरा सिरा संचयी बैटरी E' केबल के साथ धारा नियंत्रक R से जुड़ा होता है, जितना चीज़ें बताएं देखिए E से और इससे और दूसरा सिरा धारा RS से जुड़ा होता है, धारा नियंत्रक RS से जुड़ा होता है। देखिए जिस सेल का विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना होगा उसका एक सिरा बिंदु A से दूसरा सिरा गैल्वेनोमीटर जिस से होते हैं जौकी से जोड़ देते हैं कि हमने पहले बताया था, वही चीज़ इसमें बताएंगे। मान लेंगे तार AB की लंबाई L तथा प्रतिरोध R है, यदि संचयी बैटरी E' का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल R है तो परिपथ में बहने वाली धारा I = E' R+R, जो कि हमने टर्मिनल विभवांतर वाली एक वीडियो थी उसमें इसके बारे में बता दिया है। अब V = हम जानते हैं IR ड्रॉप, इसका मान रख देंगे तो V = इतना हमें पता चल जाएगा। अब अगर हमें प्रति एकांक का निकालना है तो गाइस सभी में L से भाग दे देंगे, तो इस फार्मूले की मदद से हम यहाँ पर कर सकते हैं। हमने दो तरीके से आपको बताया विभव मापी के बारे में, पोटेंटियोमीटर किस प्रकार से वर्क करते हैं और क्या फार्मूला होता है निकाल सकते हैं। हालांकि अगर हम न्यूमेरिकल वाली वीडियो लाते हैं तो उसमें हम आपको बता देंगे इसका न्यूमेरिकल किस तरह से करते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहता हूं। अगर इस टॉपिक से कोई आपका डाउट है या कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले यहाँ पर इस तरह की वीडियो बनाई जा रही है, वो भी आएँ सीखें और अपने नॉलेज को पावरफुल बनाएं। और वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा, मिलूंगा पार्ट नंबर 9 में, वहां पर मैं बताऊंगा कैरी फोस्टर ब्रिज या इसे कहते हैं विसर्पी तार सेतु कैरी फास्टर ब्रिज, तो इस तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, यानी पॉलिटेक्निक में ये सिलेबस में भी दिया गया है, तो देखना ना भूलिए पार्ट 9। वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा, मिलूंगा पार्ट नंबर 9, तक के लिए बाय बाय।